अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 5। इसके पहले हमने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडी एंड आगे इकोनॉमिक्स की वीडियो भी जल्द आएगी, ठीक है। तो हम दोनों कंटिन्यू करेंगे BST एंड ECO। तो मैं बता दूँ कि आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं BST का। चैप्टर का नेम है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, हिंदी में संगठन। तो मैं इस चैप्टर की आज फर्स्ट 5 टॉपिक को डील करने वाली हूँ। तो पहले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 5 टॉपिक। वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन का की परिभाषाएं या फिर अर्थ। सेकेंड टॉपिक क्या हमारा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन के लक्षण। थर्ड हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन का महत्व। फोर्थ हमारा है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी हिंदी संगठन की अवधारणाएं। एंड लास्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन प्रक्रिया में कदम। तो आज ये 5 टॉपिक को मैं डील करने वाली हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन की अर्थ और परिभाषा। तो हमारे चैप्टर का नेम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग संगठन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है टॉपिक फर्स्ट में कि संगठन होता क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो सिंपल लैंग्वेज समझिए कि आपके पास बहुत सारा काम है, ठीक है। उस काम को आपने छोटे छोटे कामों में बांट दिया और लोगों को दे दिया कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, यही ऑर्गेनाइजिंग है। यानी सबसे पहले आपने वर्क को डिवाइड किया एंड उसको राइट पर्सन को अलॉट कर दिया, यही है ऑर्गेनाइजिंग, यही है संगठन। डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैं हर एक टॉपिक को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, तो ये वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज। दो वर्ड निकला है, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। किसका प्रक्रिया है, किस चीज़ की प्रोसेस है, तो दो वर्ड है ग्रुपिंग एंड डिफाइनिंग। तो दो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। तो सिंपल लैंग्वेज समझिए कि आपको बिजनेस में, आपके बिजनेस में क्या क्या होगा, कौन कौन से काम किए जाएंगे, उसको डिफाइन कर लिया, यही डिफाइनिंग है। और उस काम को, एक जैसे काम को एक ग्रुप में बांट दिया, ये ग्रुपिंग है। अब जो काम प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, उत्पाद के लिए, उसको आपने क्या बोल दिया कि हाँ ये प्रोडक्शन के ग्रुप में जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब क्या कि आपने ग्रुप बना दिया। कि सबसे पहले आप काम को समझोगे, क्या क्या काम करना है, ग्रुप बनाओगे और आगे लिखा है उसको राइट पर्सन को अलॉट करोगे कि हाँ अब आप प्लानिंग स्टाफ को ही दोगे प्लानिंग के लिए, जो लोग प्लानिंग के बारे में जानते हैं, जो लोग प्रोडक्शन करना जानते हैं उनको दोगे प्रोडक्शन के बारे में। तो काम को बांटो, सही पर्सन को दो, यही क्या है ऑर्गेनाइजिंग। आगे से वही लिखा है जो मैंने बोला अभी, एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। हिंदी क्या वो पढ़ लेते हैं, किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए, इसका निर्धारण करना एवं व्यक्तियों के बीच उन क्रियाओं का वितरण का व्यवस्था करना ही संगठन है। क्या क्या काम होगा, कौन कौन करेगा, सोचना ही संगठन है, खत्म आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन के लक्षण। अब संगठन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं बता दूं कि आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या फिर फीचर बोलिए, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। पहला है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों का समूह। अब ऑर्गेनाइजिंग एक व्यक्ति से नहीं होता है, सिंपल समझिए कि बिजनेस में कितने सारे काम होते हैं। क्या कोई एक बिजनेसमैन वो सारे काम कर लेगा, नहीं कर लेगा, तो उसको क्या करना होता है, सबका हेल्प चाहिए। बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि ये एक ग्रुप इफर्ट है, वही फर्स्ट टॉपिक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्तियों का समूह मिलकर ये काम करता है। सेकेंड क्या है, प्रोसेस प्रक्रिया है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये क्या है, प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप बिजनेस में सारे काम को ढंग से करते हो। अब क्या है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट में बहुत सारे काम्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इतने सारे काम्स आते हैं मैनेजमेंट में, उसमें से एक ऑर्गेनाइजिंग भी है, बस ठीक है। अब क्या है, यानी प्रबंध में भी आता है, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण काम है क्या, संगठन हिंदी में। अब क्या है, स्ट्रक्चर यानी ढांचा, ये आपके व्यवसाय को एक ढांचा देता है, आपके बिजनेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है कि आपका बिजनेस में किस किस तरीके से काम होगा, किस कौन लोग करेंगे, यानी किस तरीके से सब कुछ आगे होने वाला है, उसका एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, एक रूप देता है आपको। अब क्या है, सिस्टम यानी प्रणाली है,
ठीक है, एक सिस्टम है, आपको सब कुछ एक सिस्टम में रहते हुए करना होता है, एक प्रोसेस भी है एक सिस्टम भी है। ऑब्जेक्टिव निकल के आ सकता है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, तो आप लिखोगे कि हाँ ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, ठीक है, यानी एक प्रणाली है। मैं बता दूं कि मैं सारे टॉपिक को यहाँ पे समझा रही हूँ, तो इसी वीडियो में आपको हर एक टॉपिक को समझते चलना है, एंड केवल समझने से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जामिनेशन में लिखना भी है, तो मैंने सारे पॉइंट्स को लिखा भी है, आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में आंसर देना है। क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, लिख दोगे पॉइंट मीनिंग लिख दोगे, तो ये सारे आइडिया के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या है, सिक्स ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यनात्मक। अब ऑर्गेनाइजिंग में सारे जितने काम होते हैं वो फालतू में नहीं होते हैं, क्यों होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब आपने काम बांटा, लोगों को दे दिया कि आप ये करोगे आप वो करोगे, क्यों दिया, ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ करे, आपको प्रॉफिट मिले, आपका काम ढंग से हो पाए, तो गोल है, तो हाँ एक उद्देश्यनात्मक है, आपको एक गोल को लेकर ही काम करना होता है। आप क्यों बिजनेस में काम कर रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसके लिए क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे सब कुछ का, सारे काम को, तो एक ऑब्जेक्टिव भी होता है ऑर्गेनाइजिंग का। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, ये हर एक जगह होता है, ऐसा नहीं कि बिजनेस में ही होता है, आपके घर में भी ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब आज शाम को क्या खाना बनने वाला है, आपकी मम्मा सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है ना, कि हाँ मुझे ये चाहिए तो आप ये लेकर आओ, पहले क्या किया उन्होंने, सब कुछ मटेरियल लाया, फिर वो काम करती हैं, ठीक है, फिर काम को डिवाइड करके आप लोगों को भी देती है ना कि तुम ये कर लो, थोड़ा मेरा हेल्प कर दो मेरा, तो हर एक जगह होता है। आपके घर में बर्थडे पार्टी होती है तो आपके पापा सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बिजनेस में नहीं होकर ये हर एक जगह होता है, बिजनेस में भी और बाहर भी। टॉपिक थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अब संगठन का महत्व क्या है हमें वो जानना है। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है ना टॉपिक, इंक्रीज मैनेजरियल इफिशियंसी, प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि। सारे जो भी बिजनेस आप कर रहे हो या फिर देख रहे हो, बिजनेस का एग्जांपल देख रहे हो, तो उसमें वर्क कौन करता है, सब वर्क किसके सर पे रहता है, ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के, ठीक है। अब क्या मैनेजर सारा काम कर पाएगा, क्या वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, वही पैकेजिंग करेगा, वही बांटेगा, वही स्टाफिंग करेगा, वही प्लानिंग करेगा, इम्पॉसिबल है। तो मैनेजर को अपना काम आसान करने के लिए ही काम को बांटना होता है, काम को ऑर्गेनाइज होता है, इससे क्या होता है, मैनेजरियल इफिशियंसी इंक्रीज होती है, आपका काम इफिशियंट तरीके से होगा, इसको क्या बोलते हैं कि हाँ ऑर्गेनाइजिंग इंक्रीजेज मैनेजरियल इफिशियंसी। आप एग्जाम में ये नहीं लिखोगे कि इंक्रीजेज मैनेजरियल इफिशियंसी, आप क्या लिखोगे, ऑर्गेनाइजिंग इंक्रीजेज मैनेजरियल इफिशियंसी। सेकेंड क्या है, स्पेशलाइजेशन यानी वशिष्ठीकरण। इसका मतलब क्या होता है, विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन, मतलब कि आपको हर एक काम को स्पेशलाइज कर दिया गया है। अब ये नहीं कि आपके वर्कर आए, आज उन्होंने काम कर दिया पैकेजिंग का, कल काम करेंगे प्रोडक्शन का, परसों देख लेंगे मशीन बिगड़ गया वो देख लेंगे, नहीं, एक वर्क को बांट दिया जाता है, पार्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाता है, वही क्या है स्पेशलाइजेशन, यानी प्लानिंग के स्टाफ सिर्फ प्लानिंग करेंगे, आपके लेबर को बांटा गया है, ये केवल प्रोडक्शन करेगा, ये केवल पैकेजिंग करेगा, तो काम को बांटा गया, ये क्या है स्पेशलाइजेशन। थ्री क्या है, क्लेरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को स्पष्ट करना, वो आपको दिखाता है ऑर्गेनाइजिंग कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है। अगर आपके बिजनेस में कोई लेबर आया, कोई श्रम आया, श्रमी काम किया, उसने आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आएगी अपनी। अगर आपने बांट दिया कि हाँ तुम मशीन को अच्छी तरह से बना लेते हो, तो तुम्हारा ये काम है कि तुम देखोगे कहीं मशीन बिगड़े ना, तो अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि हाँ मेरी ये काम है कि मशीन बिगड़े ना, बिगड़े तो मैं उसको बनाऊंगा। तो काम को बांटते से क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उत्तरदायित्व का एक अंदर से आने लगता है फीलिंग कि हाँ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ क्या हमारा है, इंसेंटिव टू ग्रोथ यानी विकास को बढ़ावा। सेम बात, सारे काम को ऑर्गेनाइज करके काम चलेगा तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, मतलब कि हाँ बढ़ावा देता है किसको, ग्रोथ को। फिफ्थ क्या है, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। सेम बात है, ग्रुप एफर्ट्स, सबको मिलकर काम करना होता है, एक अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, तो ऑर्गेनाइजिंग में सेम बात, सब कोई मिलकर ही काम करता है, तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ सब कुछ आगे चलता है। अब क्या है, हिंदी में समन्वय। सिक्स क्या हमारा है, प्रिवेंट्स करप्शन यानी भ्रष्टाचार को रोकता है। अगर आप काम सब कुछ ढंग से करोगे, सबका काम बांटा हुआ है, तो करप्शन का जो भी संभावना होता है वो कम हो जाता है, चांसेस कम हो जाती हैं करप्शन की। अगर कोई एक व्यक्ति के हाथ में सारा कुछ है तो वो करप्शन हो सकता है कि कुछ पैसा खुद खा जाए, बट अगर वो काम को बांट दिया गया है, आपने काम किया, आपके ऊपर सुपीरियर हैं, आपके काम को देखेंगे, सुपीरियर के ऊपर भी कुछ सुपीरियर हैं,
वो उनके काम को देखेंगे, तो इससे क्या होता है, आप कोई काम गलत नहीं करोगे, करप्शन नहीं करोगे, ठीक है। अब क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय साधनों का अनुकूलतम उपयोग। अगर आप सारे काम को आपने बांटा, सही व्यक्तियों को दिया, तो सेम बात कि आप लोगों का यानी ह्यूमन रिसोर्स का आपने सही ढंग से यूज किया, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या कि हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करने के लिए ही बिजनेसमैन काम को बांटता है, बंटवारा करता है काम का, ठीक है। अब है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन की अवधारणाएं क्या है, तो दो कंसेप्ट हैं यानी आपके संगठन की दो अवधारणाएं हैं। फर्स्ट क्या है, एज अ प्रोसेस, एंड सेकेंड क्या है, एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। यानी पहला है एक प्रक्रिया के रूप में, संगठन का पहला अवधारणा एक प्रक्रिया के रूप में, और दूसरा है संबंध के एक ढांचे के रूप में। तो अब दोनों में अंतर क्या है, यानी पहले अवधारणा में कहा जा रहा है कि आपका संगठन, आपका ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे कि आप काम करते हो, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि ये एक रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है आपके लेबर, आपके मैनेजर के बीच में, आपके स्टाफ के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा करता है। आपको पता है कि आपको सारा काम करने के बाद अपने सर से बोलना है कि सर मैंने ये काम कर दिया, देख लीजिए सही है नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप बना रहा है ना, ठीक है। आप अगर प्लानिंग में ज़्यादा कुछ जानते हो कि हाँ आपको प्लानिंग करने आता है, ठीक है, तो तीन चार लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं, तो तीन चार लोग आप मिलकर काम करेंगे तो रिलेशन अच्छा होगा। तो मतलब क्या कि हाँ, संबंध के साथ काम करता है, कब, जब आप सारा काम ऑर्गेनाइजिंग के तहत करोगे तब। अब हमारा लास्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लास्ट पॉइंट से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, उसमें क्या क्या किया जाता है। तो इसमें हमें ही जानना है कि ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है, संगठन में क्या क्या प्रक्रिया होती हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, यानी सबसे पहले आप वर्क को देखोगे कि आपका वर्क कौन कौन सा होगा बिजनेस में, क्या क्या काम की जाने वाली है आपके बिजनेस में, या फिर क्या क्या काम हो रही हैं, क्या क्या काम होगी, ये है आइडेंटिफिकेशन। अब उस काम को बांट दिया, ये क्या हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क, आपने काम को बांट दिया कि हाँ अब ये काम इस ग्रुप का है, ये काम इस ग्रुप का है। सेकंड क्या हमारा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीयकरण। अब आपने काम को अगर बांट दिया कि हाँ एक काम हमारा हो गया कच्चा माल लाना है, एक काम हो गया पैकेजिंग करवाना है, एक काम हो गया प्रोडक्शन करवाना है, अब आप डिपार्टमेंट बना दोगे कि हाँ प्रोडक्शन का सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं से मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो वो आप मटेरियल डिपार्टमेंट में करोगे, ठीक है। आपके लेबर पे कौन कौन ध्यान देगा कि लेबर काम सही कर रहे नहीं कर रहे हैं, वो आपके अलग डिपार्टमेंट हो गए सुपीरियर का, ठीक है। आपके बिजनेस में क्या क्या आगे होगा उसका प्लानिंग करने के लिए अलग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो अगर आप डिवाइड कर दोगे डिपार्टमेंट को, ठीक है, तो वही क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी विभागीयकरण। आपने विभाग, अलग अलग विभाग बना दिया, अलग अलग विभाग में बांट दिया। अब हमारे क्या है, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज यानी कर्तव्यों का निर्धारण। अब आप क्या करोगे, अब सही पर्सन को दोगे काम करने के लिए। अब जो पर्सन जानता है कि उसको प्रोडक्शन कैसे करना है, तो आप उसको प्लानिंग तो नहीं दोगे ना, उसको वही काम दोगे जो कि उसके लायक हो। तो नॉलेज देखकर, स्किल देखकर सही लेबर को सही काम पहुंचाना ही क्या है, उसके ड्यूटीज़ का अलॉटमेंट करना यानी कर्तव्यों का निर्धारण। अब फोर्थ हमारा क्या है, establishing reporting relations यानी सूचनाओं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। अब सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, आपने बोला कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ये करोगे, अब काम वो बंदा सही कर रहा है नहीं कर रहा है चेक कौन करेगा, तो उसके हेड, उसके सुपीरियर। तो इसमें क्या किया जाता है कि बताया जाता है कि आपको ये काम कंप्लीट करने के बाद अपने सुपीरियर को दिखाना है, सुपीरियर चेक करेगा कि क्या वो काम सही है या गलत। एग्जाम्पल समझिए, बच्चों को होमवर्क दिया अगर मैंने, ठीक है, टीचर बच्चों को होमवर्क देते हैं, अगर टीचर होमवर्क चेक नहीं करते हैं तो बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं बनाएंगे। तो टीचर क्यों होमवर्क चेक करते हैं, ताकि सारे बच्चे अपना होमवर्क ढंग से बनाएं। सेम एज सारे आपके अंदर जो भी स्टाफ्स हैं, सर अच्छे से काम करें, उसके लिए आपको एक सुपरवाइजर चाहिए जो कि उस काम को देखें कि क्या वो काम सही कर रहा है, गलत कर रहा है तो डांटे, सही कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दे, ठीक है। यही क्या है हमारा लास्ट टॉपिक, फिर से मैं बता रही हूँ एक बार, ठीक है, शॉर्ट में क्या क्या काम है। पहला है काम को बांटोगे, दूसरा है काम को डिपार्टमेंट में बांट दोगे। पहला क्या किया, काम को बांटा, फिर क्या किया, हर एक काम को डिपार्टमेंट में बना दिया, उसके बाद क्या किया, लोगों को दे दिया कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, और लास्ट में क्या किया, एक बंदा
आपको सारा काम करने के बाद उसको उसे चेक करवाना है कि क्या वो काम सही है या गलत। ये था हमारा चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे वीडियोस मिलाती रहूँगी आपको। तो मिलते हैं चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।